नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार U3G लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके सामने एक ऐसे लेके आया हूं जो पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड, जो कि 8th क्लास के लिए, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, तो ये 8th क्लास के लिए माय बेस्ट फ्रेंड। देखिए इधर, सतीश कुमार इज माय बेस्ट फ्रेंड। सतीश कुमार इज माय बेस्ट मस्ट। सतीश कुमार जो है वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। ही इज माय क्लास फेलो। मैं मेरी कक्षा में पढ़ता है, मेरी कक्षा का में ही पढ़ता है। ही इज माय नाइट कोट। वो मेरा पड़ोसी है। वी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल टूगेदर। हम दोनों स्कूल साथ जाते हैं। वी कम बैक टूगेदर, और वापिस भी हम साथ आते हैं। वी हेल्प इच अदर इन होमवर्क, और हम साथ आपस में हेल्प करके ही अपना होमवर्क भी करते हैं। ही इज ए गुड स्टडीज। वह एक अच्छा स्टडी करता है, अपना अच्छा वाला होमवर्क करता है, अच्छा पढ़ता है। ही ऑलवेज कम फास्ट फर्स्ट, और वह पढ़ाई में फर्स्ट आता है, प्रथम आता है। ही इज ए गुड एट गेम आल्सो, और वह अच्छा गेम खेलता है, मतलब कि कोई भी खेल में भी अच्छा है। ही इज ए गुड एट गेम आल्सो। ही इज द कैप्टन ऑफ कैपिटन ऑफ हॉकी टीम। कैप्टन है वो, मतलब कप्तान है आवर हॉकी टीम, हमारी हॉकी टीम का कप्तान है। ही इज ए गुड स्पीकर। वह अच्छा बोल सकता है, अच्छा गुड स्पीकर है, अच्छा बोल सकता है। ही हैज ओन मेनी प्राइज, और उसने काफी इनाम जीत चुका है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिता एक डॉक्टर है। ही इज ए गुड, ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। His mother, उसकी माता इज ए गुड लेडी, उसकी माता एक अच्छी औरत है। He belong to rich family, वह अमीर घर से belong करता है, मतलब अमीर फैमिली है उसकी। He has good habit, उसमें अच्छी आदतें हैं। He always speak truth, और वह सत्य बोलता है, मतलब सत्य बोलता है। His teacher is also love him, और हर जो टीचर है उसके, वो सभी उसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त पर गर्व है, मुझे अपने दोस्त पर गर्व है। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी उम्र लंबी करे। दोबारा देखिए एक बार, सतीश कुमार इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा दोस्त है सतीश कुमार। ही इज माई क्लास फेलो, वह मेरी कक्षा में ही है, पढ़ता है। ही इज माई नाइट कोट, वह मेरा पड़ोसी है। ही वॉज गो टू स्कूल टूगेदर, हम दोनों साथ स्कूल जाते हैं। वी कम बैक टूगेदर, और साथ ही वापिस भी आते हैं। वी हेल्प एच अदर इन होमवर्क, हम होमवर्क जो करते हैं आपस में हेल्प से कर लेते हैं। ही इज ए गुड एट स्टडीज, वह पढ़ाई में अच्छा है। ही ऑलवेज कम फर्स्ट, और वह फर्स्ट आता है। ही इज ए गुड एट गेम आल्सो, और वह खेलने में भी अच्छा है। ही इज ए कैप्टन ऑफ द आवर हॉकी टीम, हमारी जो कप्तान है हॉकी टीम के, वह कप्तान है हॉकी टीम के। ही इज ए गुड स्पीकर, वह अच्छा बोल सकता है, प्रवक्ता है या बोल सकता है उसके। ही इज ए गुड स्पीकर, वह अच्छा बोल सकता है, उसको बोलना आता है। ही इज ओन मेरिट प्राइज, उसने काफी इनाम जीत चुका है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, और उसके पिता एक डॉक्टर है। ही इज ए वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। हिज मदर इज ए गुड लेडी, उसकी माता एक अच्छी औरत है। ही बिलोंग टू रिच फैमिली, वह अमीर घर से जुड़े हुए हैं, अमीर घर से बिलोंग करते हैं। He has good habit, उसमें अच्छी आदतें हैं। He always speak truth, और वह सत्य बोलता है। His teacher also love him, उसके सभी टीचर उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं।
आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त पर गर्व है। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे। तो मैंने आज आपके सामने 8th क्लास के बच्चों के लिए माई बेस्ट फ्रेंड बताया है। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में आप इसको नोट करके अच्छे से याद करके, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लीज अगर आपको कुछ भी सुझाव करना है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में सुझाव रखिए। और इस माई बेस्ट फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, जो आपकी 8th क्लास के लिए, 7th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कुछ भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में रखिए। धन्यवाद।